दुधवा में फतेह सिंह की हत्या के मामले में दो महिलाओं को किया गिरफ्तार। मामले में पूर्व में दो आरोपियों को भी किया जा चुका है गिरफ्तार। साला थाना क्षेत्र के दुधवा में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एसपी ज्ञान चंद्र यादव ने बताया कि दुधवा ग्राम में फतेह सिंह और प्रताप सिंह की मारपीट कर हत्या की घटना को गंभीरता से लेते हुए साला थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर घटना में शामिल दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं एक विधि से विरुद्ध संघर्ष किशोर को भी निरुद्ध किया है। एसपी यादव ने बताया कि प्रकरण में शामिल दुधवा निवासी आरोपी गंगा देवी पत्नी जगाराम मेघवाल व लीलू देवी पत्नी वीरमाराम मेघवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में दो आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि दुधवा निवासी नातू सिंह पुत्र मंगल सिंह राजपूत ने साला थाना में रिपोर्ट देकर बताया था कि 16 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे लगभग उसका पुत्र फतेह सिंह और प्रताप सिंह कैबिन पर बैठा था, तभी जगाराम फौजाराम पुत्र वीरमाराम लीलू देवी पत्नी वीरमाराम देवाराम पुत्र जगाराम गंगा देवी पत्नी जगाराम मेघवाल निवासी दुधवा सभी पूर्व तैयारी से धारदार छुरा कुल्हाड़ी लाठी लिए केबिन पर आए व आते ही उसके पुत्र को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियारों से वार कर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिस पर वह गंभीर घायल हो गया व घायल की उपचार के दौरान जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में रविवार को मौत हो गई थी। जैसा कि आप लोगों को जानकारी में आया सोशल मीडिया के माध्यम से कि दिनांक 16/8 को करीब 2:30 बजे दुधवा गांव में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े चाकू रोक कर घायल किया गया। इस व्यक्ति की पत्नी डेथ हो गई और कल उनका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा के दाह संस्कार किया गया। उस घटना के संबंध में गहनता से जांच की टीम बनाई, सीओ साहब को भेजा और मेरे द्वारा भी सहायता जाकर उसके बारे में पूरा घटनास्थल के बारे में जानकारी दी। बड़ी खतरनाक तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो दुधवा गांव में एक जगाराम हंसाराम और जो जगाराम के बीच में पहले विवाद शुरू हुआ, अभी इसमें तफ्तीश चल रही है कि जगाराम और फतेह सिंह के मध्य भी पूर्व में कुछ विवाद की बात सामने आई, उसके ऊपर हम जांच कर रहे हैं। लेकिन जो तात्कालिक कारण तो हंसाराम और फतेह सिंह आपस में घनिष्ठ हैं, उस बात को लेके वहाँ पर फतेह वो जगाराम की जो फैमिली है वो हंसाराम के साथ में बातचीत करने लगी, मारपीट करने लगी, तब वो घटना के लिए और लोगों को उसने बुलाया। अभी ये बिंदु है कि क्योंकि उसने हंसाराम वहाँ से आपने देखा हुआ वीडियो के अंदर भी वो साइड में है, वो बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है, उसको नहीं आने दे रहे हैं और वो सीधे फतेह सिंह के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तो या उस समय जो भाषा या जो क्या घटना हुई उसके संबंध में हम उनसे अभी गहनता से पूछताछ करेंगे। और उनसे पता हथियार में ये चाकू का इस्तेमाल करते हैं, एक चाकू है, एक घटना स्थल पर एक कुल्हाड़ी दिख रही है और एक लट। तो अच्छा गिरफ्तार कर लीजिए। हाँ अभी गिरफ्तार किया कर लेंगे, अभी गिरफ्तार किया है। तो इन्होंने जो शराब पी है वो उसी दुकान पे मिलती है या नहीं? जो हंसाराम शराब पे हंसाराम और जगाराम पहले आते हैं वो तो आकवा गांव पड़ता है, वहाँ पी के आते हैं। वहाँ लाइसेंस दुकान है आकवा में, जानकारी कहाँ पी है क्या है उसके इन्वेस्टिगेशन का बिंदु। नहीं अभी परिजनों से हमारी बात हुई, उनका ये था कि सब सख्त के सख्त सजा दिलाई जाए और इसमें त्वरित अनुसंधान करके फास्ट ट्रैक के अंदर इसको केस को लिया। ये चाकू की आपने चाकू मतलब केवल इस प्रकरण से संबंधित नहीं है, काफ़ी संख्या में कह सकते हैं कई लोगों के पास में होते हैं, जैसे ये बुद्धि बड़ी उसको कहते हुए पुलिस। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चाकू है ये कोई सामान्य चाकू नहीं है, ये चाकू स्पेशली इस तरह की वारदात करने के ही काम में लिया जाता है और जो भी किसी पास में इस तरह का है तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप सेक्ट में ये प्रोविडेंट अभी तक सर पूरे प्रकरण में कितने लोगों को गिरफ्तार किया? अभी तक इसमें एक जो नाबालिग है और 5 आदमी को हमने गिरफ्तार किया। तो हंसाराम है ये जो मृतक फतेह सिंह की वहाँ पर एक दुकान है परचूने की, उस दुकान पे आके बैठ गया और उस दुकान पे आके बैठने के बाद जगाराम और हंसाराम के मध्य कुछ बात को लेके बोलचाल हुई, मनमुटाव हुआ। ये हंसाराम मृतक फतेह सिंह का दोस्त था तो फतेह सिंह ने इसमें इंटरवेंट किया तो जो ही फतेह सिंह ने इंटरवेंट किया तो जगाराम ने अपने घर वालों को आवाज़ दे के और लोगों को कह के उनको बुलाया, जिस पर
उसकी माँ जग्गाराम की माँ नीलू देवी और उसकी पत्नी, पहले वो आते हैं। ये आने के बाद में वो झगड़ा कर जग्गाराम के हाथ में रट होता है और ये उसको मारपीट करने के लिए, आपने देखा होगा जो वीडियो में भी एक कुल्हाड़ी भी है, वो लेके आते हैं। उसके बाद में इनके आपस में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद में ये और बुलाते हैं और उस समय इसका जग्गाराम का भाई फौजाराम जो एक लाठी लेके आता है, इसका बेटा देवाराम और एक नाबालिग है इसका बेटा, वो आते हैं और जो नाबालिग है वो अपने जेब से चाकू निकालता है, चाकू निकाल के सीधा फतेह सिंह के आंखों में अटैक करता है जिसे वो गिर जाता है। गिरने के बाद में भी उसके ऊपर और अटैक करते हैं और घटना में इनको अंजाम देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तुरंत सूचना मिली, सूचना पे पुलिस ने FIR दर्ज की और उसको तुरंत यहाँ तक हॉस्पिटल में प्राथमिक चिकित्सा करवाने के बाद में जोधपुर में करवाया, लेकिन बड़ा दुखद है कि कल उनका देहांत हो गया, कल और परसों की नाइट में देहांत हो गया था। और इसमें हम लोगों ने दो आदमी को पहले गिरफ्तार किया है, चार आदमियों को, एक और जो नाबालिग था उसको डिटेन किया है, उसको और बाकी पाँच आदमी को गिरफ्तार कर दिया। सही है।